नमस्कार दोस्तों, नमस्कार बच्चों। आज हम 10th की, अभी अर्धवार्षिक परीक्षा नज़दीक आ रही है तो अर्धवार्षिक परीक्षा की बात करते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा में हम अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें और किस प्रकार से अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर हम हल करेंगे, उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हम इसका ब्लूप्रिंट देख लेते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में आएंगे। तो टोटल जो है पेपर होगा 75 मार्क्स का और 3 घंटे का समय रहेगा। इसमें फर्स्ट 4 सेक्शन होंगे पेपर के, सेक्शन ए, बी, सी और डी। तो सेक्शन ए जो है ये रीडिंग सेक्शन है, सेक्शन बी राइटिंग है और सेक्शन सी जो है ये ग्रामर है और सेक्शन डी जो है ये हमारी जो टेक्स्ट बुक है, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये दोनों टेक्स्ट बुक में से ज़्यादा अंक जो है वो फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक से कवर होते हैं। तो इस प्रकार किस प्रकार से ब्लूप्रिंट है और उसको देखते हुए हमको कैसे प्रश्न की तैयारी करना है त्रैमासिक परीक्षा की, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले जो अनसीन पैसेज होते हैं, ये 5-5 मार्क्स के 2 प्रश्न आते हैं अनसीन पैसेज के, इसमें एक एक मार्क्स के आते हैं ये प्रश्न। 5 प्रश्न 5 अंकों के होते हैं और टोटल ये अनसीन पैसेज जो है 10 नंबर का होता है। तो इसको कैसे हल करना, इसको यदि हम सीख गए तो कौन सा पैसेज आता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम देखते हैं, जैसे ये पैसेज है हमारे सामने अनसीन पैसेज, तो इसमें टुडे परहैप्स यू आर ओनली एसोसिएशन विद द वर्ड पोलियो, ये पूरा पैसेज को हम एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, द नरेटर ऑफ द पैसेज इज ए पेशेंट ऑफ। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से एक सही उत्तर है जो हमको चुनना है। अब सही उत्तर तक हम कैसे पहुँचेंगे, हमको ये प्रश्न के शब्दों को देखना है, जैसे नरेटर है, पैसेज, पेशेंट, ये है, और फिर उत्तर भी देखना है। इसमें ए पहला ऑप्शन ए वाला है सेरेब्रल अटैक, दूसरा है पोलियो, तीसरा डायबिटीज, चौथा हार्ट डिसीज। तो इसमें ये जो उत्तर के शब्द है वो क्या हमको पैसेज में मिल रहे, तो पैसेज में जो भी शब्द मिलेगा वही सही उत्तर होता है। अब जैसे यहाँ पे हम पहली लाइन में देखें तो यह पोलियो शब्द मिल रहा है हमको, और यहाँ पर भी ये पोलियो शब्द है ऑप्शन में, लेकिन ये जो दूसरे शब्द है ये इसमें नहीं है। इसका मतलब ये जो पोलियो है ये सही उत्तर है इस प्रश्न का, पोलियो। द नरेटर ऑफ द पैसेज इज ए पेशेंट ऑफ पोलियो, तो नरेटर यानी जो पैसेज बोलने वाला है या जो लेखक है जिसको कह सकते हैं, वो पोलियो का पेशेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज टू। अब इसमें भी देखें, वर्डिक्ट, प्रेडिक्ट, एडिक्ट, प्रोटेक्ट, ये 4 ऑप्शन है। तो इसमें से सही जो है ये हमको यहाँ पे ये प्रेडिक्ट मिल रहा है लिखा हुआ, प्रेडिक्ट, लेकिन ये वर्डिक्ट, एडिक्ट और प्रोटेक्ट हमको इस पैसेज में नहीं मिल रहे देखने पे। तो इसका सही उत्तर ये होगा, प्रेडिक्ट। अभी तीसरा क्वेश्चन है, द नरेटर वाज द सेवंथ चाइल्ड ऑफ ए फैमिली दैट हैड। तो इसमें जो नरेटर है वो 7वां बच्चा है परिवार का। तो इसमें से ये जो 4 ऑप्शन है, 1 स्कोर चिल्ड्रन, 8 चिल्ड्रन, 9 चिल्ड्रन, 23 चिल्ड्रन, इसमें से यहाँ पे हमको ये जो है इसमें
ये लाइन में आई वॉज द सेवंथ चाइल्ड इन फैमिली ऑफ फोर पेयर्स ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो इसमें ये सेवंथ चाइल्ड, ये द नरेटर वॉज द सेवंथ चाइल्ड इन ए फैमिली, तो ये भी मिल गया हमको यहाँ पर। और ये लिखा है या फोर पेयर्स ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो फोर पेयर चार जोड़े मतलब आठ, तो यहाँ पे ये एट चिल्ड्रन है, तो ये सही उत्तर होगा। इस प्रकार से ये सही उत्तर है एट चिल्ड्रन। अभी इसमें जो है चौथा प्रश्न है, पोलियो द ड्रेडेड डिसीज मेनली अफेक्ट्स द, अब यहाँ पे देखो ये ड्रेडेड शब्द है, डिसीज है, तो मेनली अफेक्ट्स है, ये क्वेश्चन को हमने देखा, तो इस प्रकार का जो लिखा हुआ है ये हमको यहाँ पे मिल रहा है, द ड्रेडेड डिसीज विच मेनली अफेक्ट्स द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, तो ये हमको यहाँ पे लिखा हुआ, ये द ड्रेडेड डिसीज विच मेनली अफेक्ट्स द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, इसमें भी यही लिखा है द ड्रेडेड डिसीज नेम इफ अफेक्ट, तो ये प्रश्न के शब्द हमको इस पैसेज में मिल गए। और उसके साथ ये भी मिल गया हमको एक ऑप्शन कि ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, ये ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड यहाँ पे ये मिल गया, बाकी ये दूसरे ऑप्शन नहीं मिलेंगे इसमें, तो ये वाला सही उत्तर है। तो ये अब पांचवा प्रश्न है, हार्ट एंड स्पाइनल कार्ड, तो हार्ट एंड स्पाइनल कार्ड, व्हाट मेड द नरेटर लुक लाइक ए फॉरेनर, ये तो चौथे क्वेश्चन का, ये पांचवा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट मेड द नरेटर लुक लाइक ए फॉरेनर, तो यहाँ पर हम देखते हैं आई वॉच सो फेयर, ये लिखा है आई वॉच सो फेयर ब्राउन हेयर्ड देट आई लुकड मोर लाइक ए फॉरेनर, ये आई लुकड लाइक ए फॉरेनर, यहाँ पे भी प्रश्न में है नरेटर लुक लाइक ए फॉरेनर, ये फॉरेनर शब्द है, यहाँ भी फॉरेनर है, तो यही उत्तर हमको मिल जाएगा इसका, ही वॉज हेयर फेयर एंड ब्राउन हेयर्ड, ही वॉज फेयर विद रेड हेयर, ही वॉज फेयर एंड स्किनी, ही वॉज डार्क एंड ब्लू, ये आई वॉज सो फेयर एंड ब्राउन, फेयर एंड ब्राउन हेयर्ड, तो ये वाला पहला वाला है, इसमें देखो ये फेयर एंड ब्राउन हेयर, तो ये यहाँ पर जो लिखा है ये फेयर एंड ब्राउन हेयर्ड, तो ये भी मिल गया ऑप्शन, और ये क्वेश्चन का भी मिल गया, तो इस प्रकार से ये सही उत्तर है इसका ए वाला। और अब हम यहाँ देखें कि ये आंसर भी जो अपन हमने निकाले पैसेज में से वही आंसर ये यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से हम ये तरीका है कि पैसेज को कैसे हल करना है, तो हम 10 नंबर के पैसेज को हल करेंगे जिसमें हमको पूरे 10 नंबर मिल जाएंगे, अगर हम थोड़ा सा धैर्य और सावधानी से इस प्रश्न को हल करेंगे। अभी दूसरा क्वेश्चन जो है हम देखते हैं ब्लूप्रिंट से आता है सेक्शन बी में, ये 16 मार्क्स का है राइटिंग में, इसमें नोट मेकिंग टाइटल और नोट्स, ये 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें एक नंबर एक ही प्रश्न आता है 4 नंबर का, तो अभी ये नोट मेकिंग का आएगा क्वेश्चन नंबर 3, तो उसको देखते हैं नोट मेकिंग कैसे करना है। नोट मेकिंग में जो है नोट मेकिंग का इस प्रकार का फॉर्मेट होना है होता है जहाँ टाइटल लिख इस प्रकार का ये फॉर्मेट है जहाँ हम टाइटल लिखते हैं पहले, फिर हेडिंग बनाते हैं, फिर नोट मेकिंग में जो पैसेज दिया होता है उसी पैसेज में से इस ऐसे फॉर्मेट के तहत हम नोट्स बनाते हैं, और टाइटल जो है वो टाइटल वो होता है जो पैसेज के अंदर जो बात बार 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 रिपीट हो रही या पढ़ने के बाद हमको समझ में आ गया कि ये पैसेज किस संबंध में है,
तो वो टाइटल हम एक या दो शब्द का टाइटल बनता है। और इसमें जो है इस प्रकार से पाइंट बनाते हैं, एक का एक, एक का दो, दो दो का एक, दो का दो, ये सब पाइंट है। और तीन, तीन का एक, तीन का दो, इस प्रकार से ये पाइंट बना के उसी पैसेज में से हम लिखते जाते हैं। और इसमें हम कुछ एबरविएशंस का भी यूज करते हैं, यूज ऑफ एबरविएशन। तो एबरविएशन क्या होता है, जैसे ये डेवलपमेंट शब्द है तो डेवलपमेंट शब्द को छोटा करके ये लिखा है DVLPMNNT। तो इसमें क्या करा है, डेवलपमेंट को ये छोटा किया है। तो क्या इसमें जो वॉवेल लेटर है ई ओ ई, ये वॉवेल लेटर को ड्रॉप कर दिया, वॉवेल लेटर को हटा के इसको छोटा कर दिया। ऐसे ही ये देखो मॉर्निंग का जो है, इसमें भी ये MRNG करा, ये मतलब मॉर्निंग लिखा हुआ है। तो हम नोट्स बनाते समय ऐसे छोटे शब्दों को नोट्स में उपयोग कर सकते हैं, बड़े शब्दों को छोटा बना के। और इसमें हम हाफ लाइन फुल लाइन लिखते जाए उसमें से, पैसेज में से देख के एक एक दो दो लाइन छोड़ के। और नोट मेकिंग का मतलब ये होता है कि जो पैसेज हमको दिया गया है उसको हमको छोटे रूप में बनाना है ताकि हम उसको याद रख सकें, तो उसी को नोट्स बोलते हैं। तो इसमें अभी ये एबरविएशन इस प्रकार से बनाते, जिसमें हम वॉवेल्स को ड्रॉप कर देंगे तो छोटा हो जाएगा, वो हो गया। तो इस प्रकार ये नोट मेकिंग का क्वेश्चन बहुत ही सरल होता है, ये इसमें अकल से ही नकल करना होती है। तो अब इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग भी 4 नंबर का प्रश्न है। एक इसमें फॉर्मल लेटर होता है, मतलब एप्लीकेशन, और इनफॉर्मल लेटर राइटिंग में जो है फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं। तो फॉर्मल लेटर जो एप्लीकेशन हम लिखते हैं, और इनफॉर्मल लेटर जो है जो हम अपने रिश्तेदारों को और जो अपने मित्रों को लिखते हैं वो इनफॉर्मल लेटर होते हैं। ये 4 नंबर का होता है। तो फॉर्मल इनफॉर्मल ये एक 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 ही प्रश्न आएगा अथवा में एक कोई भी करना है, या तो एप्लीकेशन करना है या लेटर करना है। फिर कैसे करना है लेटर को भी हम देख लेते हैं। इस प्रकार से लेटर को लिखा जाएगा, ये लेटर का फॉर्मेट है, ये एप्लीकेशन है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग 3 डेज लीव एज यू आर इल। ये बीमारी में 3 दिन की छुट्टी की है। ये तारीख ऊपर डालना है, टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की स्पेलिंग भी क्वेश्चन में मिल जाएंगी, इस प्रकार से लिखना। स्कूल का नाम भी क्वेश्चन में आ जाएगा, वो लिखना है। फिर सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर, लीव है तो लीव, SLC के लिए है तो SLC लिख देंगे, ये हो गया। फिर सर आई एम स्टूडेंट ऑफ 10th, आई एम इल, आई कैन नॉट कम टू स्कूल फॉर 3 डेज, आई वॉन्ट 3 डेज लीव, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 डेज, थैंकिंग यू, योर्स ओबेडियंटली नेम ये। तो इस प्रकार से ये मैटर बदल दिया तो कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पे हो जाएगी, ये बाकी चीज़ें तो सेम होती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है लेटर राइटिंग के बाद में, पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन आता है 3 नंबर का। पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन 3 मार्क्स का। तो इसमें एक पिक्चर दी होती है, पिक्चर को देख करके हमको वो आंसर देना होता है। पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन देखते हैं हम इसमें, ये
इस प्रकार से जैसे ये चित्र दिया है, तो ये प्रश्न आता ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो राइट ए शॉर्ट स्टोरी इन अबाउट 75 वर्ड्स एंड आल्सो गिव ए सुटेबल टाइटल टू इट। जैसे ये चित्र में दिख रहा है थ्रस्टी क्रो, प्यासा कौवा। तो ये प्यासे कौवे की जो स्टोरी है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 मार्क्स का कंपोजिशन जो है पिक्चर कंपोजिशन आता है। कोई भी सब्जेक्ट पे जो पिक्चर दी है उससे कंपोजिशन बनाना, ये पिक्चर कंपोजिशन हो गया। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन होगा पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन के बाद सेक्शन सी है, ये 10 मार्क्स का है। फिल इन द ब्लैंक्स, 5 नंबर का, एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे। और डू एज डायरेक्टेड, इसमें ग्रामर के क्वेश्चन 5, एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे। ये ग्रामर का सेक्शन है, सेक्शन सी 10 नंबर का। अब सेक्शन डी, ये 39 मार्क्स टेक्स्ट बुक के है। इसमें अभी 4 नंबर का पहला जो क्वेश्चन है वो टेक्स्चुअल एमसीक्यूस, जो पाठ्य पुस्तक पे आधारित जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो इस प्रकार से आएंगे। हाँ, ये तो इसमें ये सम इम्पोर्टेंट MQQS, हु रीड द लेटर, हु रीड द लेटर सेंड बाय लेंचो, लेंचो के द्वारा भेजे गए पत्र जो है किसने पढ़े। तो ये उत्तर इसका है द पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर ने वो पढ़े। यहाँ पर इसमें हमने यदि टेक्स्ट बुक के लेसन पढ़ रखे होंगे तो इन प्रश्नों के उत्तर हम आसानी से दे सकते हैं। ये सारे टेक्स्ट बुक के, जैसे ये लेसन 1 का है, हु इज़ द आथर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड, इसका जो है आथर कौन है, लेखक कौन है। तो ये सारा, ये जो क्वेश्चन आंसर है ये हम उसके, हमको हमने यदि वो पढ़ रखे, जैसे ये GL फ्लुएंट्स का जो है इसका लेखक है, हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट, लेंचो कितने पैसे चाहता था, तो ये 100 पिसोस है। तो ये सब टेक्स्ट बुक पे आधारित जो हमारे क्वेश्चन पार्ट है उसमें से ये 4 नंबर का जो प्रश्न है ये आएगा, और इस प्रकार से इसको करना है। नेक्स्ट जो है इसमें ये टेक्स्चुअल क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट आएंगे उनको देखते हैं हम। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज, 6 मार्क्स के क्वेश्चन है ये, 3-3 मार्क्स के एक्सट्रैक्ट प्रोज का जो एक्सट्रैक्ट है उसमें 3 मार्क, और पोइट्री का जो एक्सट्रैक्ट है उसके 3 मार्क्स, 6 मार्क्स का ये रहेगा। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन प्रोज से 12 नंबर के रहेंगे, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये पोएट्री से, पोएम से 4 नंबर के। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से 4 नंबर के। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज फर्स्ट फ्लाइट ये 3 नंबर के। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम पोएट्री फर्स्ट फ्लाइट 3 नंबर। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट 3 नंबर, ये टोटल 75 नंबर। तो इस प्रकार ये टोटल 75 नंबर्स का जो है पेपर है। अब इसमें हम देखते हैं कि टेक्स्ट बुक के कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो 2-2 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं, एक्सट्रैक्ट वाले क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें सब जो पोयम दे रखी है हमको, ये पोयम है डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ए टाइगर,
इनके ये लेखकों के नाम है, डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। ए टाइगर इन द जू लेस्ली नॉरिस ने लिखी है। द बाल पोयम जॉन ब्रेमेन ने लिखी हुई है। अमांडा रॉबिन केलिन ने लिखी है। एनिमल्स वॉल्ट विटमैन ने लिखी है। द ट्रीज एंड्रीन रीच ने लिखी है। और फॉक कार्ल सेंडबर्ग ने लिखी है। फॉर एन ग्रेगरी ये डब्ल्यू बी ईट्स ने लिखी है। ये पोएम के ये लेखक है और ये पोएम है, ये भी पोएम के लेखक भी याद होना चाहिए, ये इसमें हमको ऑब्जेक्टिव में आते हैं। अब यहाँ पे ये पोएम की लाइन दे रखी है, द हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। इस पे ये तीन क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, हमको ये पढ़ के ये तीन क्वेश्चन के आंसर देना है। तो फ्रॉम विच पोएम द एबव लाइन्स हैव बीन टेकन, तो पोएम का नाम है, ये कौन से पोएम से ये लाइन ली गई है, डस्ट ऑफ स्नो फायर एंड आइस ए टाइगर इन द जू। तो इसको देखिए, हियर्स वॉइस एट नाइट पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद इज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। तो ये टाइगर इन द जू से ये है, और व्हाट डज ही स्टेयर एट स्टार्स, तो ये ए टाइगर इन द जू ये राइट आंसर है इसका, उसका टू सी ये स्टार्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ द वर्ल्ड, ब्रिलियंट का अपोजिट जो है वो होगा डल। तो ये सभी तीनों के सही उत्तर जो है सी वाले, तीनों के सही उत्तर है ये। तो ये पोयम का एक एक्सट्रैक्ट हो गया, एक एक्सट्रैक्ट आएगा प्रोज से। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो देख लेते हैं सरसरी तौर पे। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो ई होप फॉर ए गुड हार्वेस्ट द क्रॉप ओनली नीडेड सम रेन। लेंचो को अच्छे फसल, हार्वेस्ट मीन्स फसल की उम्मीद थी, होप्ड द क्रॉप ओनली नीडेड सम रेन, और फसल को बारिश की आवश्यकता थी, रेन। हु आर व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू, लेंचो हैड फेथ इन गॉड एंड ही रॉट ए लेटर एड्रेस्ड टू गॉड आस्किंग फॉर 100 पिसोस टू बाय फूड एंड फॉर सीड्स। हु रीड्स द लेटर, द पोस्ट मास्टर रीड्स द लेटर। यहाँ पे जो हु वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो सरल होते हैं, ये जो हु है उसकी उसकी जगह पे द पोस्ट मास्टर यहाँ पे लिख याद रखा तो ये क्वेश्चन तैयार हो जाए। हु की जगह पे पोस्ट मास्टर लिखा तो ये हो जाएगा, पोस्ट मास्टर रीड्स द लेटर। व्हाट मेड लेंचो एंग्री, लेंचो को किस बात से गुस्सा आया। ही वॉज एंग्री बिकॉज वो क्रोधित था क्योंकि ही हैड डिमांडेड 100 पिसोस एंड ही गॉट 70 पिसोस। उसने 100 पिसोस डिमांड की थी लेकिन उसको 70 ही मिले, इसलिए वो एंग्री था। वॉट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर, मंडेला ने इंटरनेशनल लीडर्स को क्यों धन्यवाद दिया। मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स टू बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन टू विटनेस विक्ट्री फॉर जस्टिस फॉर पीस एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी। वाई वर द टू नेशनल एंथम्स संग, द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका एंड टू मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स
द ब्लैक एंड द वाइट्स इट वॉज एप्रोप्राइट एंड शोड दैट द टू कम्युनिटीज वर टू लिव टूगेदर पीसफुली फॉरगेटिंग द पास्ट. वॉट डज करेज मीन टू मंडेला? मंडेला के लिए करेज साहस का क्या मतलब था? अकॉर्डिंग टू मंडेला करेज इज विक्ट्री ओवर फियर. मंडेला के अनुसार डर के ऊपर जीत ही जो है वो साहस है, करेज है. वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? यंग सीगल जो है वो क्यों उड़ने से डरता था? द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज क्योंकि ही थॉट दैट हीज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम. वो ऐसा सोचता था कि उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे. वॉट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई? किस, ये इम्पोर्टेंट है भाई क्वेश्चन. वॉट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई? द साइट ऑफ द फिश कंपेल्ड हिम टू मेक डिसपरेट अटेम्प्ट टू फ्लाई. एट दिस मोमेंट हिज हंगर ओवर पावर्ड हिज फियर. उसकी जो भूख थी उसके कारण जो है उसका डर खत्म हो गया. द साइट ऑफ द फिश, और वो फिश को देख करके वो मजबूर हो गया, मतलब अटेम्प्ट के लिए, उड़ने के लिए. आई विल टेक द रिस्क. वॉट इज़ द रिस्क? मैं रिस्क लूँगा. रिस्क क्या है? द रिस्क इज टू फ्लाई द डेकोटा स्ट्रेट थ्रू द स्टॉर्म. रिस्क था, उड़ने का रिस्क था डेकोटा का तूफान में. वाई डज द पायलट टेक रिस्क? द पायलट टेक्स रिस्क टू रीच होम एंड मीट हिज फैमिली. वाई डज द पायलट टेक रिस्क? पायलट ने रिस्क क्यों लिया? घर पहुंचने के लिए और परिवार से मिलने के लिए रिस्क लिया. द पायलट टेक्स द रिस्क टू रीच होम एंड मीट हिज फैमिली. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. वॉट मेड द वुमेन द कंट्रोल सेंटर? वॉट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली? द वुमेन इज द कंट्रोल सेंटर लुकड एट द नरेटर स्ट्रेंजली वेन ही आस्क्ड हर अबाउट द अदर एरोप्लेन. इन द स्ट्रॉन्ग वेदर नो प्लेन्स वर फ्लाइंग एंड शी वॉज सरप्राइज्ड एट हिज क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई डज एनी वॉन्ट टू कीप ए डायरी? बिकॉज शी हैड नो क्लोज फ्रेंड्स. ओ बहुत बढ़िया, छोटा सा उत्तर है. एनी जो है वो डायरी क्यों रखना चाहती थी? वॉन्ट मीन्स चाहना. बिकॉज क्योंकि शी हैड नो क्लोज फ्रेंड्स, उसका कोई करीबी दोस्त नहीं था इसलिए वो डायरी रखती थी. वॉट मेड मिस्टर किसिंग अलाउ एनी टू टॉक इन क्लास? एनीज लास्ट एसे इन द फॉर्म ऑफ ए पोयम शोड मिस्टर किसिंग द लाफ लाइटर साइड ऑफ ए नॉटी चाइल्ड. इट हेल्प्ड ब्रिज द जनरेशन गैप बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट. वाई वॉज मिस्टर किसिंग एनॉयड विद एनी? मिस्टर किसिंग वॉज एनॉयड विद एनी बिकॉज शी वॉज वेरी टाकेटिव. बहुत बातूनी थी वो, टाकेटिव बातूनी. हाउ डिड मिस्टर किसिंग पनिश एनी? ही पनिश्ड हर बाय गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क टू राइट एसे ऑन ए चैटर बॉक्स. उसको पनिशमेंट में एक एक्स्ट्रा एसे दिया गया लिखने के लिए ए चैटर बॉक्स टॉपिक पे. वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सिट? ये वांडा का तो 100 ड्रेस का है, ये तो ये क्वेश्चन नहीं है, अभी लास्ट ईयर के है.
ये वांडा वाले सब क्वेश्चन नहीं है। हु वॉन द ड्राइंग कंटेस्ट, हु वॉन द ड्राइंग कंटेस्ट, ड्राइंग कंटेस्ट किसने जीता? ये भी नहीं, वंडा वाला ही है। यहाँ पे देखेंगे अब, ये व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक, ये क्वेश्चन नंबर जो ये 21 है, ये वाला, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, ये क्वेश्चन है। व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, तो दे आर नॉस्टैल्जिक अबाउट देयर ओल्ड पुर्तगीज डेज, दे आर नॉस्टैल्जिक अबाउट देयर ओल्ड पुर्तगीज डेज। व्हाट इज द बेकर कॉल्ड इन गोवा, गोवा में जो है बेकर क्या कहलाते थे? द बेकर इज कॉल्ड पेडर इन गोवा, व्हाट इज द बेकर कॉल्ड इन गोवा, द बेकर इज कॉल्ड पेडर इन गोवा, पेडर। व्हाट डिड द बेकर्स वियर इन पुर्तगीज डेज, दे ओर ए पेक्यूलियर ड्रेस कॉल्ड काबाई, बेकर्स क्या पहनते थे? वियर, दे ओर वो पहनते थे पेक्यूलियर ड्रेस कॉल्ड काबाई, काबाई नाम की वो ड्रेस वो पहनते थे। वेयर इज कुर्ज, कुर्ज कहाँ पर है? इट इज सिचुएटेड मिड वे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, मैंगलोर के तटीय कस्बे के और मैसूर के बीच में, बिटवीन मिड वे सिचुएट, मध्य रास्ते में ये स्थित है, सिचुएटेड। तो वेयर इट कुर्ज, इट इज सिचुएटेड मिड वे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ज, कुर्ज की मुख्य फसल कौन सी है? कॉफी इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ज, कॉफी, कॉफी है कुर्ज की मेन फसल। वाई वॉज राजवीर एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन, राजवीर जो है टी गार्डन देख करके उत्तेजित क्यों हो गया? राजवीर वॉज एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन बिकॉज ही हैड नेवर सीन ए टी गार्डन बिफोर, क्योंकि उसने पहले टी गार्डन, चाय के बागान जो है वो नहीं देखे थे राजवीर ने, इसलिए वो एक्साइटेड हो गया, उत्तेजित हो गया। वेन हर सन डाइज, कीसा गोतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, वॉट डज ही आस्क फॉर, जब कीसा गोतमी का लड़का मर गया तो वो उसने घर घर जा कर के क्या कहा? वेन कीसा गोतमी सन डाइट शी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस आस्किंग इफ शी कुड गेट सम मेडिसिन दैट वुड क्योर हर चाइल्ड, उसने मेडिसिन दवाई के लिए पूछा, क्या किसी के पास कोई दवाई मतलब है कि उसका लड़का जो है क्योर अच्छा हो जाए। और कुछ छोटे छोटे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए डस्ट ऑफ स्नो, ये जो है ये पोयम के क्वेश्चन है, व्हाट इज ए डस्ट ऑफ स्नो, द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स आर फ्लेक्स ऑफ स्नो, ही फेल्ट रिफ्रेश्ड एंड वॉन्टेड टू एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे। व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड, द सडन शावर इन द फॉर्म ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो चेंज्ड द पोएट्स मूड, द पोएट्स मूड चेंज्ड फ्रॉम सैड टू हैप्पी। वो हेमलॉक ट्री के नीचे पोएट खड़ा था और जब उसके ऊपर बर्फ गिरती है
पेड़ के ऊपर कौवा आ जाता, उसके बैठने से बर्फ गिरती है, तो वो सैड टू हैप्पी, उदास से प्रसन्न हो जाता है। वॉट डज फायर स्टैंड फॉर इन द पोयम? पोयम में जो है फायर का क्या है, कि फायर का क्या मतलब है? फायर स्टैंड फॉर हेटर्ड इन द पोयम, नफरत, फायर का मतलब नफरत है। वॉट डज आइस स्टैंड फॉर इन द पोयम? आइस स्टैंड फॉर डिज़ायर इन द पोयम, बर्फ का क्या है आशय इसमें? बर्फ का मतलब है डिज़ायर, यानी कामना, इच्छा। वेयर डिड द बॉल गो? बॉल गेंद कहाँ चली जाती है? द बॉल वेंट इन टू द नियर बाय वाटर बॉडी, वो नाली में चले जाती है बॉल। वॉट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजिशन मीन? इट मीन्स दैट एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड डिजायर्स टू पजेस द थिंग्स। वॉट कुड अमांडा डू इफ शी वर मरमेड? अमांडा ये पोयम भी नहीं है, हम देख लेते हैं इसमें जो कोर्स डिलीट किया गया है 2023 के लिए। अमांडा है ये रिड्यूस्ड सिलेबस में, द 100 ड्रेस फर्स्ट और 100 ड्रेस सेकंड, ये दोनों लेसन रिड्यूस है। और पोयम एनिमल्स वाली जो पोयम है वो रिड्यूस मतलब कम कर दी गई है, ये नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना। और जो है ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का जो हैक ड्राइवर वाला लेसन है ये नहीं पढ़ना है, बाकी है। मतलब अमांडा हमको पढ़ना है तो हम आ जाते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे। व्हाट डज इन द वर्ड ऑफ पोजिशन मीन? इट मीन्स द एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड डिजायर टू पजेस द थिंग्स। वॉट कुड अमांडा डू इफ शी वर मरमेड? इफ अमांडा वर ए मरमेड देन शी वुड ड्रिफ्ट स्लोली ऑन ए लैंग्विड एमराल्ड सी। शी वुड बी द सोल इनहेबिटेंट ऑफ द सी। फाइंड थ्री थिंग्स दैट कैन नॉट हैपन इन ए ट्रीलेस फॉरेस्ट। द थ्री थिंग्स दैट कैन नॉट हैपन इन ए ट्रीलेस फॉरेस्ट आर द सिटिंग ऑफ ए बर्ड ऑन ट्रीज, द हाइडिंग ऑफ इंसेक्ट्स, द सन बरीइंग इट्स फीट इन द शेडो ऑफ द फॉरेस्ट। वेयर आर द trees in the poem? In the poem the trees are located inside the poet's house, though they should be outside in the forest. What does the poet compare the branches of trees to? The poet compares the branches of patients who were newly discharged from the hospital. What does the poet Sandburg think the fog is like? According to Sandburg, the fog is like a cat. The poet Sandburg think the fog is like a cat. सिर्फ इतना याद करना है, a cat.
बाकी क्वेश्चन में से ही आंसर। हाउ डज द फॉग कम? द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। वॉट इज द कलर ऑफ यंग वुमेन्स हेयर? द यंग वुमेन्स हेयर इज ए येलो कलर। येलो, इतना येलो याद रखना है। Why does the young woman want to change the color of the hair? She wants that someone should love her for her inner beauty. वास्तविक सौंदर्य, इनर ब्यूटी के लिए वो ऐसा चाहती है। अभी हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। Why was Mrs. Pumphrey worried about Trickey? ये ट्रिकी जो है वो ये मिसेस पम्फ्री का कुत्ता है। मिसेस पम्फ्री इज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही इज अनवेल। वो बीमार पड़ गया था कुत्ता मिसेस पम्फ्री का। ही हैज़ रिफ्यूज टू ईट फूड एंड हैड बोट्स ऑफ ओमिटिंग। उसने भोजन नहीं कर रहा था और ओमेटिंग करता था। हाउ डिड मिसेस पम्फ्री एंड हर सर्वेंट बिहेव व्हेन ट्रिकी वॉज बीइंग सेंट टू द सर्जरी? श्रीमती पम्फ्री और उसके नौकर का व्यवहार कैसा था जब उसको अस्पताल भेजा गया सर्जरी के लिए? व्हेन ट्रिकी वॉज अबाउट टू बी हॉस्पिटलाइज्ड मिसेस पम्फ्री फेल्ट वेरी सैड। उसको बहुत उदास हो गई थी वो। शी हैड टीयर्स इन हर आईज। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, टीयर्स, आंसू। और हर सर्वेंट वाज आल्सो एंजियस। और उसका जो नौकर था वो भी एंजियस, मतलब चिंतित था वो, चिंता हो गई थी बेचारे को। व्हाट वाज हरी सिंह ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट? हरी सिंह वॉज ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग। स्टीलिंग मतलब चोरी। हरी सिंह जो है उसका हाथ मतलब किस चीज़ में सक्सेसफुल था, तो वो स्टीलिंग यानी चोरी में। तो स्टीलिंग शब्द याद करने से ये प्रश्न तैयार हो जाएगा। वॉट डज हरी सिंह गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क? अनिल से हरी सिंह जो है वो रिटर्न में क्या वांट, हरी सिंह गेट मैंने प्राप्त किया। व्हाट डज हरी सिंह गेट फ्रॉम अनिल? अनिल से क्या प्राप्त किया उसको? हरी सिंह गॉट एजुकेशन एंड गुडविल। एजुकेशन और गुडविल, एजुकेशन और अच्छा व्यवहार जो है वो हरी सिंह को अनिल से मिला इन रिटर्न ऑफ हिज वर्क फॉर अनिल। हाउ डिड द इनविजिबल मैन बिकम विजिबल? जो अदृश्य व्यक्ति था वो कैसे दिखने लगा? ग्रिफिन द इनविजिबल साइंटिस्ट फर्स्ट बिकम विजिबल व्हेन ही हैपन टू स्टेप इन सम मड विच कॉज्ड हिम टू लीव फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड। उसके कीचड़ के जो पैर थे, मड यानी कीचड़ होता है, तो सब मड जो उसके पैरों में कीचड़ लगा था और उससे वो फुटप्रिंट बन रहे थे कीचड़ के, उससे वो जो पहचान में आया कि ये जो इनविजिबल है ये कोई है व्यक्ति। व्हाई वाज ही वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट्स? और वो जो है गलियों में क्यों घूम रहा था? इसी के यही लेसन जो है ग्रिफिन का, इसी पर ये बुक का नाम भी पड़ा हुआ है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। द इनविजिबल में वाई वाज वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट्स? वो जो है अदृश्य व्यक्ति गलियों में क्यों, वॉन्डरिंग मतलब फालतू घूमना, क्यों घूम रहा था? द इनविजिबल मैन वॉज वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट बिकॉज।
वो गलियों में फालतू घूम रहा था क्योंकि ही हैड सेट फायर टू हिज लैंड लॉर्ड्स हाउस एंड बिकेम होमलेस, क्योंकि उसने अपने मालिक का लैंड लॉर्ड मालिक अपने मालिक का घर जला दिया था और वो अभी होमलेस हो गया था, मतलब घर नहीं था उसके पास, तो फालतू घूम रहा था। वाट काइंड ऑफ ए पर्सन इज मैडम लुइसेल, वाई इज शी ऑलवेज अनहैप्पी, लुइसेल जो है वो किस प्रकार की महिला थी और क्यों हमेशा वो अनहैप्पी नाखुश रहती थी। मैडम लुइसेल वॉज प्रेटी एंड यंग बट वॉज बोर्न इंटू ए फैमिली ऑफ क्लर्क्स। वो जो है वो युवा और प्रेटी यानी मासूम सुंदर थी, लेकिन उसका जो जन्म है वो क्लर्क के घर हुआ था। शी वॉज अनहैप्पी एज शी वॉज नॉट रिच, वो इसलिए उदास रहती थी कि वो अमीर नहीं थी। एंड सफर्ड फीलिंग हर सेल्फ बोर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज, वो लग्जरीज इन्हें सब विलासितापूर्ण जीवन उसको नहीं मिल रहा था। वॉट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब एम एम लुइसेल, क्या समस्या आ गई वो लुइसेल के सामने। आफ्टर बाइंग ए प्रेटी ड्रेस लुइसेल वॉज बॉदर्ड बाई येट अनादर प्रॉब्लम, शी हैड नो ज्वेल्स टू एडॉर्न हर सेल्फ विद। ड्रेस खरीदने के बाद उसके पास जो है ज्वेलरी नहीं थी, ये समस्या थी। हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस, उन्होंने नेकलेस जो है वो कैसे रिप्लेस किया। मिस्टर एंड मिसेस लुइसेल रिप्लेस्ड द नेकलेस बाय बाइंग ए न्यू वन विद द सेम डिजाइन। द न्यू नेकलेस कॉस्टेड देम 36,000 francs। वाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, भोली का जो पिताजी है वो उसके लिए क्यों चिंतित था। भोलीज फादर वरीड अबाउट हर मैरिज प्रॉस्पेक्टस बिकॉज हर ब्रेन वॉज स्लाइटली डैमेज्ड, शी लर्न टू स्पीक वेरी लेट एंड यूज्ड टू स्टेमर, हर फेस एंड होल बॉडी वॉज कवर्ड विद पोक मार्क्स, चेचक के दाग, पोक मार्क्स चेचक के दाग थे। और ये सब जो समस्याएं थी जिसके कारण भोली के पिताजी जो है वो चिंतित थे। फॉर वॉट अनयूजल रीजन्स इज भोली सेंट टू स्कूल, भोली को जो है कौन से कारणों से स्कूल भेजा गया, अनयूजुअल रीजन्स के कारण। द तहसीलदार केम टू इनॉग्रेट द प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स इन भोलीज विलेज, ही आस्क्ड रामलाल टू सेंड हिज डॉटर टू स्कूल टू सेट एन एग्जाम्पल बिफोर अदर्स, एक एग्जाम्पल उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए तहसीलदार ने भोली के पिताजी रामलाल को समझाया कि तुम अपनी बच्ची को स्कूल भेजो। वाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंभर्स प्रपोजल, बिशंभर जो है उनका जो प्रपोजल है वो भोली के माता पिता ने क्यों स्वीकार कर लिया। बिशंभर तहसीलदार, भोलीज पेरेंट्स फेल्ट दैट इफ दे डिड नॉट एक्सेप्ट बिशंभर्स प्रपोजल शी माइट रिमेन अनमेरिड ऑल हर लाइफ। भोली के माता पिता को ये लग रहा था कि यदि उन्होंने बिशंभर का प्रपोजल नहीं स्वीकार किया तो वो हमेशा अनमेरिड अविवाहित रह जाएगी पूरी जिंदगी। इस प्रकार से
बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस त्रैमासिक परीक्षा की दृष्टि से आज हमने डिस्कस किए, और आप सबको थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन इसको देखने पे जो है वो त्रैमासिक या वार्षिक परीक्षा में पेपर हल करने के लिए बहुत मदद मिलेगी। आप लोगों ने इसको ध्यान से सुना, इसके लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।